सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे विज्ञान में पाचन को, और पाचन में हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि जो बकल कैविटी होती है, ये बकल कैविटी में किस तरीके से पाचन होता है यानी कि डाइजेशन होता है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो हमारी ये पूरी आहार नाल है, इस पूरी आहार नाल में दो तरीके की मूवमेंट्स होते हैं, जैसे चर्निंग होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये दो तरीके के मूवमेंट यानी कि मंथन और क्रमानुकुंचन गतियों को पढ़ा था हमने। अब हमने कहा था जो ये बकल कैविटी है यानी कि मुख गुहिका है, इस मुख गुहिका से भोजन आ गया है यहाँ पर फेरिंग्स में, यानी कि यहां से आता है फेरिंग्स में और उसके बाद ये भेज दिया जाता है यहाँ पर आमाशय में, क्योंकि यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन यहाँ पर जैसे जो ये हमारी ईसोफेगस होती है, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 25 सेंटीमीटर लंबी ये एक नली होती है, और जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के साथ साथ ये जो हमारा चेस्ट है उस क्षेत्र से होती हुई ये डायफ्राम के बाहर की ओर, यहाँ पर ओपनिंग जो उसकी होती है ये ओपनिंग होती है इसमें स्टमक में। अब जो इसकी लेयर्स होती हैं, भित्ति होती हैं या दीवारें होती हैं जो ईसोफेगस है उसकी, इसकी म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। इन म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का सीक्रेशन होता है और जो फूड है उस फूड को यहाँ पर तरल बनाने का काम करता है, मतलब लिक्विड बनाने का काम करता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के कारण ये जो फूड है ये सारा कहाँ पहुंच जाता है, अब स्टमक में पहुंच जाता है यानी कि आमाशय में पहुंच जाता है। अब हम बात करें आमाशय की, आमाशय में क्या होता है जनरली, इसके सबसे पहले पार्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक तो क्या होता है, फूड यहाँ से 3 से 4 घंटे की टाइम तक लगभग स्टोर्ड रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है। चलिए, इसमें क्या होता है कि जो ये आमाशय है, जैसे यहाँ पर ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है और यहाँ की ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी है, ये वाला भाग जो होता है इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्चर, यानी कि ये जो जस्ट ये जॉइंट पॉइंट्स है इसकी बात कर रही हूं मैं। ये जो भाग है ये बताया ही अभी कि ये ईसोफेगस है, जैसे हिंदी में ग्रसिका कहते हैं, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस यहाँ स्फिंक्चर वाले पार्ट से ही इससे आमाशय से कनेक्टेड होता है। इसके बाद इसके 3 पार्ट हैं, जैसे कार्डियक पार्ट होता है इसका, पाइलोरिक पार्ट होता है और फंडिक पार्ट होता है। जो कार्डियक होता है, कार्डियक की अगर हम बात करें तो ऊपर का जो ये मोटे वाला ये जहां पर ये ट्यूब अटैच्ड होती है, ये वाला भाग होता है कार्डियक, और ये जो इसका लोब है ये लोब होता है फंडस या फंडिक जिसे बोला जाता है, और यहां पर ये क्या होता है जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये होता है पाइलोरिक। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहां से जो फूड स्टमक में आता है, स्टमक में फूड आने के बाद यहाँ ये स्फिंक्टर का काम होता है कि इसे वापस ईसोफेगस में ना जाने दे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके की लेयर्स होती हैं, धीरे धीरे यहाँ पर क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं। इन क्रमानुकुंचन गतियों के वजह से सबसे पहले फूड जो यहाँ पर कार्डियक पार्ट में आया, कार्डियक पार्ट से होता होता वो फंडिस में आता है, और उसके बाद फंडिक में आता है, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, पाइलोरिक में। इसमें भी क्या होता है, जो फूड यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से इसमें फंडिक में आया, फंडिक से पाइलोरिक में आया, यहाँ पर फूड ऐसा नहीं होगा कि रिपीट हो जाएगा, उसके बाद फूड को भेज दिया जाता है यहाँ पर आगे। अब इसमें क्या होते हैं, जो ये हमारा स्टमक होता है, स्टमक में कई तरीके के जूसेस मिलते हैं जो डाइजेशन यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर मिलता है गैस्ट्रिक जूस है, फिर यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इनके क्या होते हैं अलग अलग काम होते हैं, जैसे पेप्सिन भी मिलेगा, रेनिन भी मिलेगा, तो इनके यहाँ पर अलग अलग काम होते हैं जो यहाँ पर डाइजेशन करते हैं। अब जैसे जठर रस की अगर मैं बात करूं, जिसे गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में जठर रस कहा जाता है, तो जो जठर रस होता है, जठर रस जो फूड में फूड जैसे ही स्टमक में पहुंचता है तो जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं, उन पाइलोरिक ग्लैंड्स के पाइलोरिक ग्लैंड से एक गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, यहां से गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन के बाद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं।
आप जब गैस्ट्रिन का सीक्रेशन होता है उसके बाद ही गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन के स्टिमुलेशन से ही सीक्रेट होता है। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस का अगर कलर की बात करें तो हल्के पीले रंग का होता है और एसिडिक मीडियम होता है, यानी कि इसका जो पीएच होता है वो पीएच होता है लगभग 0.9 से लेकर, इसका यहां लिख देते हैं हम, 0.9 से होता है इसका जो पीएच होता है 1.5। तो ये इसका पीएच होता है जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें 99% जो है वो वाटर है और 0.5% इसमें HCl होता है और तीन तरीके के एंजाइम होते हैं जो प्रोप्रेप्सिन, नाम लिखी देते हैं, प्रोप्रेप्सिन, प्रोरेनिन और तीसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये तीन तरीके के यहां पर एंजाइम होते हैं जो अलग अलग यहां पर रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो यहां पर HCl है या ये यहां पर गैस्ट्रिक जूस जो है इनके क्या क्या काम होते हैं, जैसे देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है जो हमने बोला यहां पर ये जो स्टमक है, स्टमक वाले सेक्शन से यहां पर गैस्ट्रिन हार्मोन की स्टिमुलेशन के बाद गैस्ट्रिक जूस का यहां पर सीक्रेशन होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं जो गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस जिसे कहते हैं, जठर रस की तीन तरीके की जो सीक्रेशन है उसके अंतर्गत तीन तरीके की प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस होती है सिफेलिक फेज, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे सिर्फ जान लेते हैं। दूसरी फेज होती है गैस्ट्रिक फेज और तीसरा होता है इसमें इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, अब देखिए सिफेलिक फेज जो होती है, सिफेलिक फेज में जब सीक्रेशन हो गया है और वो जो फूड है फूड के पहुंचने से पहले ही इसका सीक्रेशन यहां पर हो जाता है। ठीक है, ये वाली स्थिति वो है जब फूड नहीं पहुंचा है और गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन स्टमक में हो गया है और गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन की वजह से ही भूख लगती है, एहसास होता है हमें कि भूख लग रही है, इसलिए इसे एपेटाइट जूस भी कहते हैं। और जो पेप्सिन है और HCl है इनके अधिक मात्रा में होते हैं और इसकी वजह से इनका जो सीक्रेशन और कंट्रोल है वो वेगस नर्व के थ्रू किया जाता है, यानी कि HCl का और पेप्सिन का जो कंट्रोल होता है और पेप्सिन इसका जो कंट्रोल होता है वो वेगस नर्व होती है, वेगस तंत्रिका जो होती है उसके माध्यम से इसका कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो सिफेलिक फेज हो गई। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचने के बाद गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन से का जो सीक्रेशन वाली प्रॉपर फॉर्म है उसको गैस्ट्रिक स्टेज बोलते हैं। अब यहां पर फूड जो होता है कई घंटे तक रहता है। ठीक है, और इस पे जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर गैस्ट्रिक जूस पर कंट्रोल कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस पर कंट्रोल करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। उसके बाद बात करें इंटेस्टाइनल फेज की, इंटेस्टाइनल फेज है कि जो ये गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस के बाद कि इसकी थोड़ी बहुत जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी फूड के साथ आमाशय से ड्यूडोनियम में पहुंच जाती है, इनके आंत में पहुंच जाती है और ड्यूडोनियम में पहुंचने के बाद भी यहां से इसका सीक्रेशन होता रहता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल फेज बोलते हैं। अब क्या होता है, जो आमाशय है यानी कि ये जो फेज है स्टमक की बात करें हम, जो ये आमाशय है, आमाशय में अलग अलग तरीके की यहां पर गतियां होती रहती हैं जिन गतियों की वजह से फूड यहां पर पेस्ट फॉर्म में यानी कि लुगदी की फॉर्म में आ जाता है। और जब यहां पर फूड लुगदी की फॉर्म में आ जाता है तो उसे बोला जाता है काइल। अब स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सीक्रेशन होता है, जो स्पेशली अगर हम बात करें जो फंडिक ग्लैंड्स होती हैं उनसे यहां पर सीक्रेशन होता है, क्योंकि फूड सबसे पहले इधर आएगा और तब फंडिक तक यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, अब यहां फंडिक की जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे इसका सीक्रेशन होने के बाद जो ये ग्लैंड्स हैं तो ये अलग अलग
यहाँ पर सेल्स होती हैं, इनमें एक होती है सेंट्रल सेल्स और दूसरी यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट मिलती हैं, उन सेल्स का काम होता है कि जो ऑक्सीटिक सेल्स जिसे बोलते हैं, जिनमें HCL भी निकलता है, और अगर ह्यूमन स्टमक की बात करें तो लगभग यहाँ पर बहुत सारी करोड़ों में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो हमारी सेंट्रल सेल्स है, सेंट्रल सेल से एंजाइम का सीक्रेशन होता है, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिनसे HCL वगैरह का यहाँ पर सीक्रेशन होता है। अब यहाँ पर क्या मिलता है, HCL मिलता है। हम बार बार HCL की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट रोल है HCL का भोजन के पाचन के लिए। तो HCL का क्या काम होता है, HCL का काम होता है सबसे पहले जो इनएक्टिव प्रोपेप्सिन है, उस इनएक्टिव प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करना और उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में हमने बोला था प्रोरेनिन भी होता है, उस प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करना, ये काम होता है HCL का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो ये होता है कि जब फूड यहाँ पर स्टमक में आता है तो यहाँ उस समय जो फूड होता है वो क्षारीय मीडियम का, यानी कि बेस मीडियम का होता है, क्षारीय माध्यम का होता है। उस क्षारीय माध्यम वाले या बेसिक मीडियम वाले फूड को यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है वो एसिडिक मीडियम में, यानी कि अम्लीय माध्यम में, ठीक है। यानी कि उसके पीएच को भी बढ़ा देगा और लगभग यहां पर पीएच कर देता है 2। अब इससे क्या होता है, जो टाइलिन है, जैसे ही यहां पर ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, यहां पर जो टाइलिन है, टाइलिन का काम खत्म हो जाता है, टाइलिन बस इतने तक ही यहां पर एक्टिवेटेड रहता है। अब तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो है, क्योंकि ये यहां पर फूड जो स्टमक में है काफी टाइम तक रुका रहता है, फूड यहाँ पर लगभग 3-4 घंटे तक रहता है, तो इतनी देर फूड रहने का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम भी करता है ये यहाँ पर HCL, यानी कि जीवाणुओं को ये यहाँ पर नष्ट कर देता है। और जो पाइलोरिक स्फिंक्चर है, उस पाइलोरिक स्फिंक्चर यानी कि इसकी जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म पर भी यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करता है ये वाला पोर्शन जो है, इस पाइलोरिक स्फिंक्चर, इसको सॉरी पाइलोरिक स्फिंक्चर, ये वाला पोर्शन, ये कार्डियक स्फिंक्चर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्चर पर भी यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि यहां से फूड कहाँ जाएगा, आंत में जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो फूड है उसमें जो कैल्शियम होता है, तो उन कैल्शियम के सॉलिड पार्ट्स को ये घोलने का काम करता है, उन्हें घोलता है, और जो न्यूक्लिक प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक प्रोटीन्स को न्यूक्लिक एसिड्स में और न्यूक्लिक एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और वहां से प्रोटीन्स में भी इनका कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में न्यूक्लियो प्रोटीन का कन्वर्जन कर देता है। अब क्या होता है यहाँ पर इसके कामों में, मेन काम जैसे हमने कहा कि जो स्टमक है भोजन 3-4 घंटे तक रुकता है, तो मेन काम है जो फूड है उसे सड़ने से रोकने का भी ये यहाँ पर काम करता है। तो HCL के ये इम्पोर्टेंट काम है। अब बात करें, शॉर्ट में जान लेते हैं, पेप्सिन का भी यहाँ से सीक्रेशन होता है, उससे संबंधित देखिए पेप्सिन का क्या काम है। शुरू में ही हमने कहा था कि जब HCL की उपस्थिति होती है तो प्रोपेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्जन किया जाता है, यानी कि यहां से इसकी उपस्थिति की वजह से, पेप्सिन की उपस्थिति की वजह से यहां पर क्या हो जाते हैं, प्रोटीन्स प्रोटेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यानी कि प्रोटीएज जिसे कह सकते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये कन्वर्जन हो जाता है पेप्टोन्स में। तो ये काम होता है यहां पर पेप्सिन का। रेनिन का भी जान लेते हैं, रेनिन का क्या काम होता है। रेनिन का काम होता है जो कैसीन होती है, कैसीन एक तरीके की प्रोटीन होती है, सॉरी एक तरीके का क्या कहना चाहिए, एंजाइम दूध की जो घुली हुई प्रोटीन होती है, प्रोटीन
कैसीन को ठोस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कैसीन जो अभी जैसे हमने बोला कि एक तरीके की प्रोटीन होती है जो कहाँ मिलती है, दूध में मिलती है। तो ये दूध में पाई हुई जो कैसीन है, उस कैसीन को रेनिन की उपस्थिति में, यानी कि रेनिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट में, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। तो सिर्फ इतना ही जानेंगे कि रेनिन का क्या काम होता है। अब आगे बात कर ले कि यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज भी है और एनाइलेज भी है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमने कारा चर्निंग और पेरिस्टेलिक मूवमेंट होते हैं, वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट जो यहाँ पर होते हैं, उन पेरिस्टेलिक मूवमेंट के लिए अलग तरीके से कुछ काइम है, पाइलोरिक स्फिंक्चर है, इनकी वजह से होती है, और उसके बाद फूड पहुंच जाता है ड्यूडोनियम में। अब क्या होता है, एक चीज टर्म यहाँ पर आ रही है वोमिटिंग की। वोमिटिंग क्या होता है कि कुछ केमिकल और फिजिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो मस्तिष्क है वो मेड्यूला के ओब्लांगेंटा से स्थित उल्टी का जो केंद्र होता है, यानी कि वोमिटिंग सेंटर जो होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से स्टमक, कार्डियक स्फिंक्चर और ईसोफेगस की जो पेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं, और डायफ्राम के अंदर जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो जिसकी वजह से स्टमक से जो फूड है वो फूड बकल कैविटी से होता हुआ उल्टा बाहर निकल जाता है, मतलब यहां पर फैलाव और इस तरीके से परिस्थितियां होती हैं जो ये वाली सेक्शंस हैं, जैसे स्टमक वाला है, ईसोफेगस है, ये सब ढीले हो जाते हैं, ये ढीले हो जाते हैं, और ये जो उधर यानी कि पेट की जो पेशियां हैं वो टाइट हो जाती है। तो जिस वजह से इनके टाइट होने और इनके ढीले होने की वजह से जो फूड है वो यहां से माउथ के थ्रू क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से यहां पर वोमिटिंग होती है। अब बात करें यहां से फूड कहां पहुंच गया है, फूड पहुंच गया है यहां से अब ड्यूडोनियम में, यानी कि आंत में, ठीक है। यहां पर आंत यानी कि इंटेस्टाइन में चला गया है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहां से फूड जो भी है आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कोलोन वगैरह के विषय में भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि जो जब छोटी आंत में जाता है तो लगभग छोटी आंत की लंबाई जो होती है, वो छोटी आंत की लंबाई होती है 7 मीटर की, और चौड़ाई अगर कहें तो 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है ड्यूडोनियम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। तो इसके होते हैं 3 पार्ट। ये 3 पार्ट क्या करते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ काम जान लेते हैं कि इनका क्या काम होता है। तो देखिए 3 पार्ट जैसे हमने बोले, ड्यूडोनियम, ड्यूडोनियम में क्या होता है, जो फूड है वो फूड यहाँ आमाशय से जो आया है, यानी कि स्टमक से जो आया है, अब स्टमक से जो यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, और HCL का यहाँ पर स्टिमुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो ईसोफेगस है या फेरिंग्स है उसकी दीवार से अलग अलग तरीके के यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, और एक विशेष प्रकार के म्यूकस का सीक्रेशन होता है, जिससे फूड क्या होता है, चिकना हो जाता है और वो आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो भी है पित्त नली भी है, यानी कि बाइल डक्ट जिससे बोलते हैं, और यहाँ पर लीवर भी है जिससे बाइल का सीक्रेशन होता है, पेनक्रियाज भी है जिससे पेनक्रियाज से येरा पित्ताशय से पित्तरस का सीक्रेशन हो रहा है, यहाँ से बाइल का सीक्रेशन हो रहा है, और यहाँ से बाइल का सीक्रेशन होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो अग्न्याशय, ये छोटी सी हमें रेड कलर की जो दिखाई देती है, यहां से जो सीक्रेशन होता है जिसे पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन होता है, ये सारा काम करता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। हालांकि जो फूड डाइजेशन में जो ग्रंथियां या जो रस हेल्प करते हैं, उनके विषय में हम अलग से अभी पढ़ेंगे थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में, कि अलग अलग जो पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनके विषय में। तो बहुत डिटेल की जरूरत अभी फिलहाल अगर हम डाइजेशन की बात करें तो नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, छोटी छोटी जैसे जो इलियम होती है, जैसे पहले ड्यूडोनियम की बात करें, ड्यूडोनियम का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है, यू शेप्ड होता है। ये यू शेप्ड होता है जिसमें होता है ये पेनक्रियास, और यहां से जो बाइल जूस है उसका सीक्रेशन होता है, पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है जिसे अग्न्याशयी रस कहते हैं।
उसका यहाँ से सीक्रेशन होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है, ये पित्ताशय है यहाँ पर और ये यहाँ पर पेनक्रियाज है जिसे हिंदी में अग्नियाशय कहते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद वाला थोड़ा सा आगे का भाग होता है जिसे जेजुनम कहते हैं। उसके बाद जो अंतिम भाग होता है वो होता है इसका इलियम। इलियम छोटी आंत का बिल्कुल एंड पार्ट होता है। छोटी आंत का जो एंड पार्ट होता है वो एंड पार्ट कहा जाता है इलियम। इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, यानी कि उंगली के आकार की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिससे इसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो इंटरलेयर होती है उनमें ब्रूनर्स ग्लैंड भी मिलती हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी मिलती है। छोटे छोटे विलाई हैं जिनका काम होता है जो यहाँ पर फूड आया है उसका मैक्सिमम अवशोषण कर लेना, एब्जॉर्प्शन कर लेना। देख लीजिए इसकी स्थिति ना कुछ इस तरीके की होती है। सपोज ये छोटी आंत का ये वाला भाग है, क्लियर, हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर इतना ही पार्ट में दिखाऊं तो ये इतना पार्ट इस तरीके से होता है। एक स्ट्रक्चरल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इस तरीके से होता है। सपोज ये छोटी आंत का है, अब हमें ऐसे तो ये इतना लग रहा है, लेकिन ये जो ये वाले भाग होते हैं ना, ये उंगली के आकार के प्रवर्ध जिन्हें बोलते हैं विलाई, ये विलाई क्या काम करते हैं, ये अब क्षेत्रफल यहां पर बढ़ गया है। जब क्षेत्रफल बढ़ गया है तो जो फूड यहां पर है इसमें, ये फूड क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया की वजह से मैक्सिमम यहां से एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए क्या होता है, अवशोषण स्तर को यानी कि एब्जॉर्प्शन जो एरिया है उसको बढ़ा देता है, और जिससे मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है और उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, अब मैक्सिमम फूड से पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर सीक्रेटिन होता है। सीक्रेटिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब उसके बाद क्या आता है, फूड पहुंच जाता है बड़ी आंत में यानी कि कॉलन में। कॉलन में पहुंचने के बाद फूड जो बचा हुआ भाग है वो जल का अवशोषण हो जाता है। जब जल का अवशोषण हो जाता है तो वो गांठ यानी कि बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कॉलोन और एक होता है रेक्टम। यहां से होता 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 ये कहाँ आएगा, रेक्टम में आएगा। रेक्टम में आने के बाद कॉलन में आएगा। कॉलन में आने के बाद ये यू शेप्ड होती है, या इसे आप उल्टे सी की शेप की नलिका कह सकते हैं। ये इस शेप की नलिका होती है और यहाँ पर एसेंडिंग कॉलन होते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन होते हैं और डिसेंडिंग कॉलन होते हैं। ये है और ये है, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो ये तीन तरीके के यहाँ पर कॉलन होते हैं। तो यहाँ से फूड जो ये यहाँ से आता है तो इन तीनों से होता होता ये पहुंच जाता है रेक्टम में। रेक्टम जो होता है लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये आहार नाल का यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये यहां से खुलता है, जो बिल्कुल एनस वाला भाग होता है वहां पर, और लगभग ये 2 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद जितना वेस्ट होता है ये फोल्ड्स होते हैं जिनमें जितना वेस्ट होता है संकुचन के माध्यम से, कंट्रेक्शन के माध्यम से यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बकल कैविटी से लेकर एनस तक फूड का डाइजेशन होता है, अलग अलग पार्ट पे उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ जो पोषक तत्व हैं वो सोख लिए जाते हैं। अब क्या होगा कि हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की जो पाचक ग्रंथियां होती हैं उन पाचक ग्रंथियों का यहाँ पर रोल होता है, तो उनके विषय में अलग से जानेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो डाइजेशन का मेन पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है, प्रयास किया है कि चित्र के माध्यम से आपको समझने में सुविधा रहे, अपेक्षा तो यही है। बाकी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लगातार साथ बने रहिएगा और वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।